यहां से ये शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। तो कृपया करके सारे सर, जैसे हर साल ये पल्ला साहब और पल्ला साहब की फैमिली, आपको पता है गणेश भगवान जी की मूर्ति गीता भवन से कालिका मंदिर स्थापन करते हैं, तो आज 19 तारीख को समझ लो गणेश भगवान जी की मूर्ति जो कालिका मंदिर में रखी जाती है, आज से लगातार 10 दिन इसका पूजन होता है। पूजन होने के बाद जो 28 तारीख को है जो विसर्जन होता है, तो पूरा जो पूजन होता है पूरा शहर इस मतलब इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर दुनिया आती है, पूजा करती है, माता के दर्शन कालिका माता के मंदिर में माता की पूजा, माता के आशीर्वाद के लिए और गणेश भगवान जी के आशीर्वाद के लिए सारे यहाँ पहुँचते हैं। और सारी कम्युनिटी जो है हमारी, वो बस एक ही मैसेज देना चाहती है कि जो हमारा पुंछ है हमेशा खुश रहे, यहाँ के लोग खुशहाल रहें, और जो पूजा है ये सफल हुई है यहाँ पर। जैसे आपने देखा सीआरपी के और एसएसपी साहब यहाँ पर आए तो बहुत अच्छे से यहाँ पर पूजन हुआ। और मैं फिर से एक बार पूरे पुंछ को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सब ईश्वर से यही प्रार्थना और कामना करते हैं कि सारे खुश रहें। इस पर यहाँ कालिका माता मंदिर पुंछ में गणेश भगवान जी की मूर्ति स्थापना हुई है, जिसमें सभी पुंछ के लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमने भी यहाँ पर प्रार्थना की और गणेश भगवान जी के सामने नतमस्तक होके उनसे पूरे पुंछ वासियों के लिए मंगल कामनाएं की, सबको सुख शांति और समृद्धि की यहाँ पर कामना हुई।